आज मैं बनाऊंगी चाय के साथ खाने के लिए मसाला मूंगफली। और ये मसाला मूंगफली बहुत ही झटपट सा बनेगा, टेस्टी लगता है। अब इसको जार में अच्छे से पैक करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल थोड़ा सा डाला था और ये नॉन स्टिक पैन में मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। और इसमें मैं ना यहाँ पे ये मूंगफली ली हूँ, ये मूंगफली मैं डाल दूंगी। और मूंगफली को थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही अच्छे से थोड़ा सा भुनेंगे कलर चेंज होने तक। यहाँ पे मूंगफली को मैंने कलर चेंज होने तक धीमी आंच पे इसे जो है मैंने रोस्ट किया, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो फिर इसका मसाला मूंगफली अच्छा नहीं लगेगा। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्ची, बहुत थोड़ा सा। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक, और इसी में थोड़ा सा मैं डाल दूंगी करी पत्ता। ये ड्राई करी पत्ता है, आप वो ग्रीन वाला मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं। और मैं सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मैं और इसको हल्के आंच पे ही भूनूंगी, रोस्ट करूंगी इसको। थोड़ा सा इसमें मैं हींग डाल दूंगी और हींग को डाल के भी इसमें हल्के से रोस्ट कर लूँगी। लो फ्लेम पे मैंने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया, सारे मसालों को अच्छे से मैंने इसमें डाल के अच्छे से रोस्ट किया, थोड़ा सा हल्का सा। और ये बहुत ही क्रंची एकदम अच्छा हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं जार में रखूंगी। आप भी इसको बनाइए और गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ ये मसाला मूंगफली ट्राई करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।